अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस। ओपन द पेज नंबर ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक 64। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2। हम चैप्टर जो है फोर्स पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 7 फोर्स। आज उसका हमें लेक्चर 2 पढ़ना है। नाउ वी आर टॉक अबाउट व्हाट इज फोर्स। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स, यानी कोई भी चीज़ खींचनी है या धकेलनी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें, एक बच्चा जो है पेंसिल से राइट कर रहा है पेज पर, तो इट मींस वो फोर्स लगा रहा है, वो पुश की जो है वो पुश और पुल की फोर्स लगा रहा है पेपर पे, ताकि जो है वो अपने वर्ड्स को लिख सके। इसी तरह से फोर्स चेंज द वे थिंग्स मूव व्हेनेवर द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है। जैसे अगर हम फोर्स लगाएं तो या तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, वो स्टॉप भी हो सकता है, वो मूव भी हो सकता है, लो हो सकता है, लेफ्ट राइट, यानी ऑल द डायरेक्शंस भी उसकी चेंज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट कैन अ फोर्स डू, एक फोर्स क्या कर सकती है। ये देखिए, फोर्स लगाने से जो है आपकी मामा जो है किचन में हैंड से फोर्स लगा के डो बना लेती हैं, आटा और पानी इसको मिक्स करके एक डो रेडी कर सकती हैं। फोर्स लगाने से ये देखें, इसने टिन को जो है स्क्वीज कर दिया है। इसी तरह से फोर्स से ये देखिए, फोर्स लगाई और जो टॉप जो है वो मूविंग स्टार्ट कर दी उसने। सो बहुत सी, तकरीबन हर एक चीज़ में हमें फोर्स लगाना ज़रूरी है। अगर हमने कोई वॉइस किसी की शेप चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है या कुछ भी बनाना है, फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स, जब वो ब्रेक के ऊपर ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा होता है और एकदम से उसको होता है कि उसने गाड़ी रोकनी है, स्टॉप करनी है, तो वो क्या करता है, ब्रेक के ऊपर जोर से अपने फुट से जो है वो पुश करता है, ब्रेक को स्टॉप करता है, और इस तरह से गाड़ी क्या होती है, व्हील्स जो है गाड़ी के वो स्टॉप हो जाते हैं। ये देखें, ये बोट जो है फ्लोट कर रही है, पेपर बोट फ्लोट कर रही है पानी में, ये लोग फ्लोट कर रहा है पानी में। सो दैट दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स इन विच फोर्सेज आर अप्लाई। इसके अलावा और भी हमारी रूटीन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें फोर्स लगानी होती है। सो दैट इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन योर पेज नंबर 65। अ फोर्स कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टॉप और चेंज। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का जो है वो चैप्टर है, और इंशाल्लाह हमारी ये जो रीडिंग है इसकी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड आपको बेटा जो भी टास्क या होमवर्क मिला है, यू हैव टू इंशाल्लाह कंप्लीट इट। आप जो है इंशाल्लाह इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं।